जो आज अति घटना घटी उसकी सबसे पहले तो हम घोर निंदा करते हैं कि इसको कुछ षड्यंत्रकारी लोग कुछ जो तैयारी करके इस पार्टी को अशांत करने का काम किया है उसको उसकी हम निंदा करते हैं। और वैसे लोगों को जो चिन्हित हैं जानबूझ करके इसको बदनाम करने के पार्टी को इस प्रकार से काम किया है कि पार्टी अशांत हो जाए, वैसे लोगों को अभिलंब इसको कार्रवाई करने के लिए समाज प्रशासन करता हूँ। साथ ही साथ ये आज आप यहाँ से आगे बढ़ें चौक से आगे और चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों पत्थर ईंटा और पत्थर ऐसा पड़ा हुआ है ये नीचे में। ये पत्थर आया कहाँ से और ये मस्जिद से के ऊपर है सब पत्थर आया कैसे और कैसे ईंटा आया वहाँ पर कै और ये और जब ऐसा ये जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल ऐसा ये कुछ लोग अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और अशांत कराने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसे ऐसे ये सरकार ऐसे पर यह करे व्यवस्था करे कि भविष्य में पाकी ऐसे बदनाम नहीं हो पाकी अशांत नहीं हो। और ये इसका मतलब ये होता है कि मस्जिद के ऊपर ऐसा पत्थर चढ़ गया ईंटा चढ़ गया इसका मतलब यही होता है कि ये सरकार की ऐसी नाकामयाबी है और ये खुफिया तंत्र है ये कहिए कि फेल है। क्या अपील करेंगे पाकी के जनता? हम पाकी के जन जन से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र का ये कहिए कि खुशबू है कि हम ईद हो चाहे ऐसा बकरीद हो या कहीं दशहरा दिवाली हो या कहीं के बाबा भोलेनाथ का ऐसा ये महाशिवरात्रि हो हम मिलजुल कर मनाते हैं मिलजुल कर मनाएंगे और उसकी तैयारी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। पूरे हिंदू समाज पूरा तैयारी कर रहा है और उसमें सारे जो दूसरे समुदाय के लोग भी सहयोग करते हैं और सहयोग करते रहेंगे और उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार से माहौल खराब करने वाले व्यक्ति को समाज से बहिष्कार करें और उस पर ऐसा नकेल कसने का काम करें अन्यथा ऐसा माहौल खराब करने वाला व्यक्ति को के कारण पूरा बदनाम ऐसा हुआ है पूरा जिला बदनाम हुआ है पूरा राज बदनाम हुआ है। ऐसे वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों उनका मनोबल बढ़ेगा इसलिए हम अपील करना चाहते हैं कि आराम से ऐसे कहिए कि शांति जिस प्रकार से था उस प्रकार से व्यवस्था बनाए रखने के करें। और ये मोटा मोटी हम देख रहे हैं कि हम सुबह 7 बजे से यहाँ पर हैं और मोटा मोटी सभी मान गए हैं और ऐसे सभी एक दूसरे को मिल करके सहयोग कर रहे हैं लेकिन कुछ तत्व उकसाने का काम कर रहे हैं उस पर नकेल कसना अति आवश्यक है। हम फिर से पूरे पांकी विधानसभा के पांकी के जन जन से अपील करना चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण बनाए रखें और मिलजुल करके ऐसे अपना त्यौहार को मनाएं और जिस प्रकार से पहले त्यौहार मनाया करते थे जिस प्रकार से जो